नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। क्यूसीआई रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। वर्ष 2023 को विदा करने के बाद शहरवासियों ने वर्ष 2024 का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया। साल के पहले दिन कड़ाके की ठंड के बावजूद नववर्ष का उल्लास चरम पर दिखा। शहर के सभी प्रमुख स्थलों और होटलों में नववर्ष मनाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। रविवार की मध्य रात्रि से लेकर सोमवार को दिन भर नए साल के जश्न की धूम रही। नव वर्ष के आगमन पर लोगों ने आतिशबाजी भी की। पूरे दिन शुभकामनाएं देने का दौर चला। नववर्ष को लेकर बच्चों से लेकर युवाओं तक में जश्न को लेकर उत्साह दिखा। केक काटकर खुशी का इजहार करते हुए नए साल का स्वागत किया गया। होटलों रेस्टोरेंट में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने जश्न मनाया। वहीं एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। वहीं नए साल की सुबह हल्के कोहरे और गलन के साथ हुई। युवाओं ने जोश व उमंग के साथ नए साल का स्वागत किया। सोमवार की सुबह मंदिरों में लोगों ने दर्शन पूजन किए और घर परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया। नए साल का जश्न सुबह से लेकर रात तक जारी रहा। नए साल 2024 के पहले ही दिन की शुरुआत लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर की। मंदिरों में नववर्ष पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान तमाम लोग देवी देवता के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। नए साल पर लोगों ने देवी देवता के दर्शन कर इस साल को बेहतर बनाए रखने की मनोकामनाएं मांगी। नए साल पर शहर के सभी मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में भोर से ही दर्शन पूजन करने का सिलसिला शुरू हुआ जो देर शाम तक चलता रहा। शहर के प्रमुख मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। परिवार के साथ लोगों ने मंदिर में दर्शन पूजन कर अपने नए साल की शुरुआत की। रविवार की रात से शुरू हुआ नए साल का जश्न सोमवार तक चलता रहा। नए साल की शुरुआत हो रही है और हम गणेश देवता हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, जिनके दर्शन करके हम आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और ज़िले के सारे समस्त नगरवासियों और ग्रामवासियों को सुख शांति, नववर्ष की सुख शांति मिले और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबको। साल हम लोगों का बहुत अच्छे से बीता है। नए साल में हम कामना करते हैं कि हम लोगों का जीवन सुखमय से बीते और सभी लोग सुखी प्राप्त करें, इसीलिए भगवान गणेश जी का दर्शन करके हमने मनोकामना प्राप्त की। आज जो है प्रथम जनवरी के उसमें जो है दर्शन करने आए हुए हैं जो प्रथम देवता होते हैं भगवान गणेश, उनके यहाँ सर्वप्रथम जो है दर्शन करने आए हुए हैं और ये कामना करते हैं कि पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देश वासियों को नववर्ष मंगलमय हो, सभी लोग सुख शांति अमन चैन से रहें, प्रभु का आशीर्वाद सबको सदैव मिलता रहे। जैसे हमारी एक मान्यता है अपने धर्म के हिसाब से कि हम अपना जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं अपने विघ्नाशक गणेश जी के आशीर्वाद से करते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हैं, इसीलिए हमने नए साल की शुरुआत के लिए यहाँ दर्शन करने की इच्छा जाहिर की और साथ ही साथ आज मैंने यहाँ भंडारे का आयोजन कराया है। मैं आपके दिन भर में मुझे लगता है 8 से 10 हज़ार भक्त यहाँ आते हैं। मेरा नाम रूपम है और हम दोनों फ्रेंड हैं, हम बनारस से हैं और ये जौनपुर से है और हम लोग साथ में बीएड कर रहे हैं और नया साल है और हम लोग का एग्ज़ाम भी चल रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा भगवान से दर्शन वर्शन करने आए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो लाइफ। आज नववर्ष का फर्स्ट डे था तो सबसे कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी होते हैं तो उनकी पूजा करने आए हम लोग और थोड़ा बहुत आसन किए हैं और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम लोगों के बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आगे टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं तो थोड़ा सा प्रार्थना भी करने आए थे कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं भाग्य भी हमारा साथ दें, भगवान जी हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। नए साल की हाँ नए साल की शुरुआत भी अच्छे से हो और पूरा साल अच्छे से जाए, आने वाला साल भी अच्छा रहे।
गणपति जी के आशीर्वाद से सब अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा होगा। नए साल के उपलक्ष्य में हम आज माता जी का दर्शन करने आए, नया साल अच्छे से बीते, पुराना साल भी अच्छे से बीत ही गया है। सबके मंगल कामना के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दाम्पत्य जीवन में आई दूरियां को खत्म करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक पति से बात करने के लिए भाइयों व रिश्तेदारों के साथ पहुंची पत्नी को देखते ही आक्रोशित चिकित्सक ने अपना आपा खो दिया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। चिकित्सक की पत्नी द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दोनों पक्ष शहर कोतवाली पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला पूर्व में जिला महिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ रहे चिकित्सक का है, जो वर्तमान में शहर कोतवाली के सामने स्थित बाईपास बंधे पर अपना निजी चिकित्सालय चला रहे हैं। रविवार को दिन में शहर कोतवाली पहुंची महिला सौम्या नारायण ने बताया कि विगत 20 फरवरी 2011 को उनकी शादी इलाहाबाद में शहर के मातबरगंज क्षेत्र में निजी प्रैक्टिस करने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा के साथ हुई थी। एक साल बाद चिकित्सक दंपति की संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसकी उम्र इस समय 11 वर्ष हो गई है और वह अपने पिता के साथ रहती है। चिकित्सक की पत्नी का आरोप है कि किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने के चलते बीते वर्ष 2019 से पति द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस समय वह कथित महिला चिकित्सक पति के साथ रह रही है। पीड़िता सौम्या नारायण का आरोप है कि रविवार को वह अपने 3 भाइयों और 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी पुत्री से मिलने और दाम्पत्य जीवन में आई कटुता दूर करने से संबंधित वार्ता करने को पति के पास आई थी। कहा कि हम सभी लोग चिकित्सक पति का इंतजार उनके अस्पताल पर कर रहे थे। दिन में करीब 12 बजे मेरे पति एक महिला के साथ अस्पताल पहुँचे तो मेरे रिश्तेदार उनके पास पहुँचे और मुझसे वार्ता कर मामले को निस्तारित करने की बात कही। तभी वो मेरा नाम सुनते ही आक्रामक हो गए और मारपीट शुरू कर दी। फिर इसकी जानकारी होने पर मैंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद हम दोनों पक्षों को थाने लाया गया। मेरा नाम जो है शम्या नारायण है और मैं डॉक्टर नीरज शर्मा की पत्नी हूँ। मेरी शादी 20 फरवरी 2011 को हुई थी डॉक्टर नीरज शर्मा से, इलाहाबाद में हुई थी ये शादी। और मैं 13 जुलाई 2019 से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं बार बार यहाँ आती जाती रहती हूँ लेकिन मुझे घर में घुसने कभी नहीं दिया जाता है। कौन प्रताड़ित था? मेरे पति डॉक्टर नीरज शर्मा मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आज क्या हुआ? क्या वजह है? इसकी वजह इनके कुछ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स हैं। आज क्या घटना हुआ? आज हमारे रिश्तेदार आए हुए थे इनसे मिलने के लिए। मैं कार में बैठी हुई थी और जो ही इन लोगों ने वार्ता शुरू किया कि आपकी पत्नी आई है, आपसे कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, कुछ बातें आपस की होना चाहती है जो सिर्फ हम अपने केबिन में बैठ के बात कर सकते हैं, तो इस पर उन्होंने जहां उन्होंने मेरा नाम सुना तत्काल ही उन्होंने वो वायलेंट हो गए और हमारे रिश्तेदारों को पीटना शुरू किया। और अभी और उसके बाद जो है तब उसके बाद हम जो है पुलिस बुलाए और हम थाने आए हैं। आपके बच्चे भी हैं? मेरी एक बेटी है जो 21 सितंबर 2012 को पैदा हुई थी और वो उसको एक्स्ट्रा जिस महिला के साथ उनके संबंध है उस महिला के साथ वो बच्ची रहती है। मेरी बच्ची भी मुझसे छिन गई है। मैं कोतवाली में क्या करने आई है, क्या होंगी? मैं उम्मीद ये की हूँ कि भाई मुझे हमारे और हमारे पति के बीच में वार्ता कराई जाए, सारे जितने भी इश्यूज हैं सारे क्लियर किया जाए और उनको ये बताया जाए। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा परिवार इकट्ठा हो, क्या प्रॉब्लम है, हम सारे प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आज आप गई हॉस्पिटल को तो क्या हुआ? मैं अभी कार में बैठी थी, मेरे रिश्तेदार गए हुए थे, जो मतलब आप हमारे रिश्तेदार हैं 3 और हमारे भाई गए थे, 2 और रिश्तेदार गए थे। अब मैं अभी कार में बैठी थी, ये लोग कहे कि ठीक है अभी डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब अभी थे नहीं, डॉक्टर साहब आए एक महिला के साथ और जो केबिन में प्रवेश किया, आप लोग केबिन में गए और वहाँ जा कर के आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हम्बल रिक्वेस्ट था कि आपकी पत्नी आई हुई है, डॉक्टर साहब प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए, कुछ पर्सनल बात है, आपस की चीज़ें हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों बात करके सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें। लेकिन पक्षों को थाने लाया गया। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि चिकित्सक और उनकी पत्नी के बीच में तलाक को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा दोनों के बीच बच्चे के पजेशन को लेकर भी मामला विचाराधीन है। दोनों पक्षों का विवाद डॉक्टर के निजी हॉस्पिटल परिसर में हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में डॉक्टर नीरज शर्मा की पत्नी सौम्या नारायण की तहरीर पर डॉक्टर नीरज शर्मा समेत तीन लोगों के खिलाफ और डॉक्टर नीरज शर्मा की तहरीर पर मयंक राय, सौम्या नारायण व अन्य चार लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चिकित्सक व उनकी पत्नी के बीच में मामला न्यायालय में विचाराधीन है तलाक को लेके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच में बच्चे के पोजीशन को लेके भी मामला विचाराधीन है। दोनों पक्ष का विवाद हॉस्पिटल प्रेमिसेज में हुआ था, जहां पर महिला पक्ष वार्ता के लिए उसने बताया कि वहां पे गए थे, जहां डॉक्टर से वहां विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर जो सही पाया जाएगा उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर नीरज शर्मा जब महिला चिकित्सालय में तैनात थे उसे समय भी वह कई बार विवादों में रहे हैं। आए दिन मरीज के परिजनों से दुर्व्यवहार करते रहते थे। इसके अलावा पत्रकारों से भी उनका विवाद हो चुका है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ सोमवार को रोडवेज के अधिकतर बस चालकों के हड़ताल पर रहने से निगम की बसें नहीं चली। जो बसें चल भी रही थी तो उसे जगह जगह हड़तालरत रहे कर्मियों ने बसों को रुकवा दे रहे थे और चालकों के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट व तोड़फोड़ के भय के चलते चालक रोडवेज से बसों को बाहर निकालने से डर रहे थे। केंद्र सरकार के बनाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ रोडवेज बस चालक और निजी ट्रांसपोर्टरों 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। नए एवी एक्ट के नियमों में बदलाव को लेकर हड़ताल में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी इस हड़ताल का असर जिले में भी पूरे दिन देखने को मिला। रोडवेज बस के ज्यादातर चालक सोमवार की सुबह से ही हड़ताल पर हैं। वहीं संविदा के रूप में तैनात बस चालक भी हड़ताल का समर्थन तो कर रहे हैं, पर नौकरी को देखते हुए चाह कर भी हड़ताल में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। निगम के अधिकारियों के दबाव में आकर कुछ चालकों ने रोडवेज से अपने गंतव्यों के पर जाने के लिए बसें लेकर आगे गए। शहर से बाहर विभिन्न रूटों पर एकत्रित होकर खड़े हड़तालरत रोडवेज के कर्मियों ने बसों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शहर से सटे करतालपुर, बेलिसा, बैठौली आदि जगहों पर हड़तालरत कर्मियों ने बसें लेकर जा रहे चालकों व परिचालकों से मारपीट भी किए। मारपीट व तोड़फोड़ के भय से अन्य चालकों में इस कदर भय समा गया कि उनका साहस भी नहीं हो रहा था कि वे बसें लेकर जाएं। निगम की अधिकतर बसें न चलने से रोडवेज पर यात्री सामान लेकर इधर उधर भटक रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को उठानी पड़ी। एक तरफ जहां ठंड व गलन है, वहीं दूसरी ओर बसों का घंटों तक इंतजार के बाद न मिलने से उनकी दुश्वारियां काफी बढ़ गई थी। हम जा रहे थे लालगंज के लिए, लेकिन बोले हैं तो बोले कोई बस नहीं है, बस नहीं जाएगी, चलिए ठीक है चले हैं बाहर। सभी यात्री परेशान देख रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, कोई बस नहीं, कह रहे हैं बस नहीं जाएगी। कब से आप परेशान हैं? मैं भी हो गया, मुझे भी आधी घंटा हो गया। हम गोरखपुर से आ रहे हैं, नौसड़ चौराहे पे वहाँ पे हड़ताल हो रहा था, लोग गाड़ी उड़ी तोड़ रहे थे। ड्राइवर लोग बोल रहे थे कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, हम लोग जब तक ये फैसला वापस नहीं लेंगे गाड़ी नहीं आगे बढ़ाएंगे। फिर वहाँ से कैसे कैसे हम लोग बढ़लगंज आए ऑटो करके, वहाँ से कोई मिल गया लिफ्ट के यहाँ पे आए, यहाँ लिफ्ट लेके यहाँ पे आए आजमगढ़, और यहाँ से आने के बाद पता चल रहा है कि कोई बस नहीं जाएगा यहाँ से, हम लोग हड़ताल पे ही बैठेंगे। ऐसे हम लोग परेशान हो रहे हैं इधर से उधर, तकरीबन 1.5 घंटे से हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ सब वापस भी नहीं आ पाओगे। क्या सर? नहीं कोई व्यवस्था नहीं बता रहे हैं, वो बात ही नहीं सुन रहे इधर उधर करके। एआरएम के कहने पर दोपहर 12 बजे अंबेडकर डिपो के बस चालक रामानंद गुप्त व परिचालक प्रदीप सिंह रोडवेज से बस पर सवारी लेकर गोरखपुर जनपद जाने के लिए चले। उनका कहना है कि करतालपुर के पास खड़े 5-6 की संख्या में हड़तालरत कर्मियों ने बस रुकवाने के बाद उन्हें मारपीट दिया। मार खाने के बाद बस चालक अपनी बस लेकर वापस रोडवेज आ गया। पीड़ित बस चालक का कहना है कि वे परिवार के लिए 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आरएम व एआरएम के कहने पर बसें लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में मार खाना पड़ रहा है। इसके बाद अधिकारी उनकी मदद के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। एआरएम रोडवेज ने कहा कि पीड़ित चालक को निर्देश दिया गया है कि कोतवाली में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं।
अम्बेडकर डिपो में चालक पद पर नियुक्त हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि प्रदेश में हिंदुस्तान में निकला था कि 1 से 3 तक हड़ताल रहेगा, जिस हड़ताल के कारण हम लोग आए थे गाड़ी जमा करने, तो गाड़ी जमा नहीं हुई तो खड़ी थी, तो ये आजमगढ़ के ARM साहब आए, कहे जाओ गोरखपुर। तो हम कहे साहब रोड पर हल्ला दंगा है, कैसे गोरखपुर जाएं? कहना जो भी बात होगी हम जिम्मेदारी लेते हैं। जब घटना दुर्घटना हो गई तो इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। एक करतालपुर तिराहे पर कुछ लोग अज्ञात लोग आए, 4-5 लोग, मुँह बांध कर हमको 3-4 फाइट मार दिए। मार के इसके बाद भैया भग गए। जब यहाँ आए हम तो इन्होंने कुछ उस पर जवाब ही नहीं दिया। तो हमने गाड़ी जमा किया थे, कह रहे हैं कि जाओ अपने थाने में FIR लिखाओ। तो बताइए किस थाना क्षेत्र के अंदर FIR लिखाएं? ये हमारे अधिकारी हैं, ये लोग जानते ही नहीं, क्षेत्रीय प्रबंधक नहीं समझ रहा है, पत कुर्सी छोड़कर घर चले जाएं। ये लोग ड्राइवर मार खाने के लिए तो आया नहीं, हमारा वेतन कितना है? 10-12 हज़ार किलोमीटर का वेतन है, और वही वेतन के लिए हम साला 24 घंटा भैया आँख फोड़ते हैं। उसके बाद भी हमारी तमाम रिकवरियाँ तमाम कटौतियाँ लेते हैं लोग। काटने के बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरता था, हमारा वेतन खा जाए पूरा। नहीं, जिम्मेदारी ये लोग नहीं लिए हैं, वो तो मान लो प्रदेश हिंदुस्तान में पूरा चला है कि 1 से 3 तक हड़ताल है। किसी हड़ताल बस का नहीं, ड्राइवरों का, ड्राइवर का इसलिए हड़ताल है कि एक्सीडेंट ड्राइवर कर देगा तो 5 लाख जुर्माना, 10 साल जेल। तो बताइए कुछ हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम 5 लाख भरेंगे कहाँ से 10-12 हज़ार वेतन पाने वाले? लेकिन ये लोग जबरदस्ती हम लोगों को हड़कार कर नाम काट देंगे तो नहीं जाओगे तो रिपोर्ट कर देंगे, तमाम प्रकार की धमकियाँ देते हैं, जिसके कारण हम लोग भैया डर के मारे गाड़ी निकाल देते हैं रोड पर। इनकी वाहन चलवाने के लिए क्षमता रखते हैं, लेकिन बाहर क्षमता रखने के दुर्घटना पर इनकी कोई क्षमता नहीं है, सीधे कोई जिम्मेदारी नहीं, सीधे घर में भग जाते हैं, कुर्सी छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जब जिम्मेदारी नहीं है तो क्यों गाड़ी चलवा रहे हो भाई? तो हड़ताल लगेगी आप लोगों के? हम 1 से 3 तक रहेंगे भैया। हम लोग पूरे बस ठप, कहीं नहीं कोई बस नहीं चलेगी भैया, जिसका मर्जी है वो निकाले, हम तो नहीं निकालेंगे। अवमानना के मामले में वारंट जारी होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह की अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह को जमानत पर रिहा करते हुए उन्हें 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित दूधनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। तब दूधनाथ ने समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध फिर से अवमानना याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी को तलब किया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर CJM ने समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध वारंट आदेश जारी किया था। इस आदेश की जानकारी होने पर समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह सोमवार को न्यायालय में उपस्थित आए तथा इस बात की गारंटी दी कि वे हर हालत में न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे तथा 18 जनवरी को निर्धारित समय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। मायावती के सपनों की कांशीराम कॉलोनी इन दिनों बदहाल अवस्था में है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते DAV कॉलेज की कांशीराम कॉलोनी के हजारों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। नगर पालिका परिसर में बने ओवरहेड टैंक की कई साल से सफाई न होने या फिर पाइपलाइन के कहीं फटने के चलते यहां के घरों में बदबूदार पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, दूसरा विकल्प न होने के चलते लोग गंदा पानी ही पी रहे हैं। शहर की कांशीराम कॉलोनी में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। कुछ माह पहले कई मोहल्लों में गंदा पानी आने की शिकायत के बाद नगर पालिका ने 1-2 टैंकों की साफ सफाई के बाद इतिश्री कर ली, लेकिन कांशीराम कॉलोनी में अब भी लोग गंदे और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन मोहल्लों में टंकियों से निकलने वाले पानी में बालू के साथ कालापन है। लोग इसी पानी को पीने और अन्य कार्यों में इस्तेमाल को मजबूर हैं। मोहल्ले के लोग नगर पालिका परिषद में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे नाले का पानी हो। दूषित पानी के चलते कॉलोनी निवासी कई तरह की बीमारियां झेलने को मजबूर हैं। पानी बहुत गंदा आ रहा है, यहाँ लोग को बहुत परेशान है, बदबू भी आ रहा है, हाँ पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, सब बच्चे बीमार पड़ गए हैं। नहीं, अब लौकबे नहीं करते हैं, जो चालू करते हैं चालू करके चले जाते हैं, किससे कहा जान लो। नहीं, इसका कोई भी समस्या नहीं फल हो रहा है।
और लोग चाह रहे हैं कि पानी साफ़ हो आवे, ये सब पीछे कचड़ा उचड़ा है सब साफ़ कराएं। हमारे नल में एकदम गंदा पानी आ रहा है, बाथरूम में हम लोग पी नहीं सकते, इतना बदबू कर रहा है, इतना गंदा जैसे नाली का पानी आ रहा है, पाइप कहीं फटा है क्या है ये सब हम लोग को तो नहीं मालूम, और गंदा पानी आ रहा है। टंकी तो हम नीचे ही अपना रखे हैं, हम अपना अब हम तो कभी नहीं देखे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहते हैं कि पूरा साफ सफाई हो जाए और पानी साफ आए, कहीं फूटा टूटा हो तो रिपेयर हो जाए। आवास में समस्या है, हाँ पूरे काशीराम आवास में समस्या है। ऐसा सब लोग आके बोल रहा है कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, मगर किससे बोला जाए वो किसको समझ में नहीं आ रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सपा पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के बार पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अशोक यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, जब दीपक बुझने वाला होता है तो भभकता बहुत तेज है, कमोवेश वही स्थिति आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ की भी है। चर्चा यह है कि उनका टिकट कटने वाला है, इसलिए अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर उलझुलूल टिप्पणी कर रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि जब तक अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको यश भारती पुरस्कार नहीं मिला था, तब तक उनको कोई नोटिस नहीं करता था, पुरस्कार मिलने के बाद ही उनका कद बढ़ने लगा। आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव जो उन्होंने जीता है उस पर भी एक कहावत याद आ गई, अंधे के हाथ बटेर लगना, क्योंकि कुछ ऐसा राजनीतिक समीकरण बन गया था उपचुनाव में कि अंधे की हाथ बटेर लग गई। आज यह स्थिति है कि दिनेश लाल निरहुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो छोड़ दे, समाजवादी पार्टी के एक अदने से सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले वह टिकट तो लेकर आए, हमारी शुभकामना है कि उनका एक टिकट मिले और उनका अहंकार भी चूर हो जाएगा। बात है कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो कुछ देर के लिए भभकता बहुत तेज है, वही हालत हमारे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी की है। चर्चा यह है कि उनका टिकट कटने वाला है, इसीलिए अपने आप को चर्चा में रखने के लिए इस तरह का उल जरूल बयान कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कभी कुछ बयान दे रहे हैं। तो दिनेश लाल निरहुआ जी के अगर इतिहास आप देखेंगे तो जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको यश भारती पुरस्कार नहीं मिला था तब तक उनको कोई नोटिस नहीं लेता था। यश भारती पुरस्कार के बाद ही उनको लोग नोटिस करने लगे, उनका कद बढ़ने लगा। और जो चुनाव उन्होंने जीता है आजमगढ़ से, लोकसभा का चुनाव, इस पर भी एक कहावत मुझे याद आ गई, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्योंकि कुछ ऐसा राजनीतिक समीकरण था यहाँ का उस समय उपचुनाव में कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। लेकिन आज जो स्थिति है, आप अखिलेश यादव जी को क्या चुनौती देंगे? निरहुआ जी, आप तो समाजवादी पार्टी के कदने से सिपाही से परास्त हो जाएंगे। खैर, आप टिकट तो लेके आइए पहले। शहर के हरिओत कला भवन में रविवार को आजमगढ़ महोत्सव की स्मारिका अत्रि स्पंदन एवं जल संरक्षण पर अभिनव पुस्तक पानी की पाठशाला पुस्तक का विमोचन सम्पन्न हुआ। इन पुस्तकों का विमोचन सांसद दिनेश लाल यादव, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं संपादक पवन कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष अद्वय श्री कृष्ण पाल एवं सूरज श्रीवास्तव तथा अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह ने किया। विषय रखते हुए संपादक पवन कुमार सिंह ने अत्रि स्पंदन एवं पानी की पाठशाला पर प्रकाश डाला। कठिनाइयों एवं उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए यह कार्य किया गया है जिसे वही आगे बढ़ाएगी। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि स्मारिका के विषय में हमने सोचा था कि यह एक संदर्भ पुस्तक बन सकेगी, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह हमारी उम्मीद से अच्छी बन पड़ी है। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि उन्हें यही लगता है कि आज की जरूरत है पानी की पाठशाला। आजमगढ़ की सरजमी से उठा यह अभियान देश के कोने कोने तक पहुँचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आजमगढ़ में वह ऊर्जा है जो असीम संभावनाओं को जन्म देता है।
आजमगढ़ महोत्सव की स्मारिका अत्रि स्पंदन में आजमगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शहीदों साहित्य लोक संस्कृति जनपद के वैज्ञानिक विद्वान जनपद की पहचान निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन बनारसी साड़ियों से लेकर यहां की नदियों समेत विभिन्न आलेख बड़े ही शोधपूर्ण तरीके से प्रकाशित किए गए हैं। यह पुस्तक जनपद के अतीत से लेकर वर्तमान के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालती है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए एक नई शुरुआत करते हुए पानी की पाठशाला पुस्तक जनपद वासियों के लिए आई है। इन पुस्तकों के संपादक लोक दायित्व के प्रखर लेखक पवन कुमार सिंह हैं। समारोह के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव की पत्रिका के लेखकों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह एवं सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुप्ता तथा अत्रि स्पंदन के सभी लेखक, पानी की पाठशाला के सहयोगी तथा लोक दायित्व के दुर्गा प्रसाद अस्थाना उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब जो दो ऐसी पुस्तकों का विमोचन हुआ है। जो पहली पुस्तक है उसका नाम है अत्रि स्पंदन, जिसमें हमें पूरे आजमगढ़ को समझने का जानने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा कि उस पुस्तक अत्रि स्पंदन जो बुक है जिसका आज विमोचन हुआ है, किसी भी व्यक्ति को आजमगढ़ के विषय में जानना है समझना है हर दृष्टिकोण से तो ये पुस्तक उनको पढ़नी चाहिए। और ये पढ़ के ये अभी तो मैं खुद भी पढ़ने वाला हूँ क्योंकि अभी भी मैं आजमगढ़ को समझ रहा हूँ जान रहा हूँ घूम रहा हूँ देख रहा हूँ और रोज कुछ नया नया आजमगढ़ के बारे में मुझे पता चलता है। तो अब ये पुस्तक देख के तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता है कि मैं जल्दी पढ़ूँ क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट काम है पढ़ना, तो इसको तो मैं तुरंत पढ़ूंगा। दूसरी पुस्तक जो है पानी की पाठशाला, ये अपने आप में अनूठी किताब है और इसकी शुरुआत आजमगढ़ से हुई है तो हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये पानी की पाठशाला पूरे देश में पूरे दुनिया में चलने वाली है, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आजमगढ़ से ये शुरुआत हुई। कलेक्ट्रेट नाजिर हरिप्रकाश श्रीवास्तव, जिलाधिकारी ओएसडीलाल जी एवं प्रतिलिपिक रिकॉर्ड रूम कलेक्ट्रेट अशोक कुमार राय अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करते हुए दिनांक 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति सभी कार्मिकों के जीवन की एक अनिवार्य परंपरा है, लेकिन मन में यह रहेगा कि हमारे जाने के बाद क्या चर्चा होगी और उनका जाना सभी को खलेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों कार्मिकों ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया है एवं अपने कार्यों से सभी को संतुष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों में राजस्व परिवार हर प्रकार से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि जो कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं उनके सभी देयकों का भुगतान सेवानिवृत्ति से पहले उनको मिल जाए। जो भी कर्मचारी उनके देयकों से संबंधित भुगतान की कार्रवाई करते हैं वे जल्द से जल्द सभी कार्यवाही पूर्ण कर उनके सभी देयकों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा का एक अंश यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन जो आपका अनुभव और ज्ञान है उसका लाभ हम लोगों को एवं अन्य कर्मचारियों को मिलता रहेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने उपरोक्त तीनों कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण राय द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल आर्यमगढ़ द्वारा शनिवार की शाम को सिधारी स्थित मंगलम होटल में सुंदरकांड पाठ एवं सामूहिक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुभारंभ रामदरबार चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करते हुए आरएसएस विभाग प्रचारक सत्येंद्र, प्रांत सेवा प्रमुख विहिप अशोक अग्रवाल एवं भाजपा नेता सिद्धार्थ राम सिंह ने किया। इस्कॉन संस्था के सियाराम प्रभु द्वारा पवनसुत हनुमान का दुग्धाभिषेक कराया गया। अनाड़ी ग्रुप के कलाकार राजा पांडे और अरुण की टीम द्वारा संगीतमय धुन पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ पर सभी राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के आयोजक सिद्धार्थ राम सिंह ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने मंदिर में आने वाले हैं, पूरा देश राममय हो चुका है।
देशवासियों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। विहिप गोरक्ष प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह ने कहा कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक राम मंदिर का निमंत्रण लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता हिंदू समाज के बीच जाएंगे और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के सभी मठ मंदिर और तीर्थ स्थलों पर ऐसे ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा के पाठ आयोजित किए जाएंगे। विहिप के जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू ने आगंतुकों का आभार ज्ञापन व कार्यक्रम का संचालन प्रांत सह संयोजक बजरंग दल के गौरव रघुवंशी ने किया। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जफरपुर आजमगढ़, सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ जो CBSE से 10+2 तक एफिलेटेड है, CBSE से संबद्ध है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिया जो स्टेट बोर्ड से संबद्ध है और सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिमंडी थाने महाराष्ट्र जो स्टेट बोर्ड से संबद्ध है और जल्द ही CBSE से मान्यता मिलने वाली है की तरफ से मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को, स्टाफ को, छात्र छात्राओं को, सभी अभिभावकों को तथा आजमगढ़ और पुणे के सभी सम्मानित प्रशासनिकगण, अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, वासियों को, इसके साथ साथ CBSE के नई दिल्ली के सभी अधिकारीगण को, इलाहाबाद CBSE के सभी स्टाफ को और पुणे के सभी स्टाफ को तथा जनपद आजमगढ़ और जनपद थाने के सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारीगणों और स्टाफ को विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस भारत देश को आगे बढ़ाने में आप अपना पूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सर्वोदय इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी जनपदवासी और सभी प्रदेशवासी प्रबंधक साथियों को पूर्व में जो है 2023 सकुशल समाप्त होगा और 2024 में आने वाला सभी के जीवन में खुशहाली लाए और सभी लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। हमारी सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं अपने मिशन अस्पताल परिवार, शिवालिक परिवार, मिशन कॉलेज परिवार की तरफ से तथा अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो और जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस नए वर्ष में 2024 में 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर बन रहा है और उसी दिन की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मैं अब से जनपदवासियों से निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी के दिन ऐसा वातावरण बनाएं जिससे सनातनी परंपरा का उत्सव एक बन जाए, सभी लोग अपने घरों को सजाएं, तोरण द्वार बनाएं, लोग राम नाम का कीर्तन करें, भंडारा करें, एक ऐसा वातावरण बने जिसमें ये पता लगे कि हमारी सनातनी परंपरा का एक बहुत ही पुराना इतिहास जो है आज आकर के हमारे सामने खड़ा हो रहा है। हमारी 500 वर्षों की सनातनी परंपरा जो राम मंदिर की लड़ते रहे आज हमारा साकार हो रहा है। और इस उत्सव पर मैं सबको भगवान श्री राम के मंदिर का भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ ही साथ ही नौ वर्ष का भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से आप सभी जनपद वासियों को अपने अस्पताल के तरफ से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें
ये हमारी कामना है। और नई उम्मीद के साथ, एक नया उमंग के साथ नया साल की शुरुआत करें, पुराने साल में जो भी हुई उसको भूल करके और एक नया इनिशिएटिव लें, नया प्रोग्रेस लाइफ में लाएँ। और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आने वाले साल में आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ रहें। पुनः रामा सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल से जनपद वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया साल सबके जीवन में खुशहाली लाए, देश में अमन चैन हो, शांति हो और सबको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट हो, कहीं उन्माद न हो। और सरकार का इसमें हम विशेष तौर से सहयोग चाहेंगे कि व्यक्तियों के जीवन को खुशहाल करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएं उनमें विशेष तौर से आम आदमी को, गरीब आदमी को केंद्र में रखकर बनाएं, ताकि महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों पर लगाम लग सके और सबके जीवन में खुशहाली आए। नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं, उनके जीवन में हंसी खुशी खुशहाली बरकरार रहे, ऐसी मेरी कामना है। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अवर ब्रांच किड्स पैराडाइज, वन ऑफ लर्निंग प्ले ग्रुप, सेक्शन ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, 200+ डिजाइन एक्टिविटी किट्स एंड प्ले जोन फॉर किड्स पैराडाइज प्ले ग्रुप सेक्शन।